सुप्रीम कोर्ट का आज भी फैसला हो ना गया पक्ष में, कुछ लोग इसी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, गलत साबित हुआ, हो गया, बहुत अच्छा। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्वेता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी खुश नजर आ रहे हैं। जी हां, बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में बिहार की जाति आधारित गणना को लेकर के याचिका दायर की गई थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और उस पर आगे कोई सुनवाई नहीं करेगी, ये फैसला दे दिया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम मोदी पर भी तंज कसते नजर आए हैं। जी आइए सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और अब तो बड़ी खुशी की बात है ना, जो हम लोग कर रहे थे जाति आधारित गणना, तो कोर्ट ने तो सुप्रीम कोर्ट का आज भी फैसला हो ना गया पक्ष में, कुछ लोग इसी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, गलत साबित हुआ, हो गया, बहुत अच्छा। स्थिति को देखें तो एक एक चीज़ की जानकारी होगी तो विकास के काम को आगे बढ़ाने में सुविधा होगी ना, कैसे लोगों को मदद करें, कैसे उनको आगे बढ़ाएं, इस मकसद से किया जा रहा है। तो इसीलिए तो देख लीजिए पक्ष में ही फैसला हो गया। अब बीच में लग रहा था कि सब सारे पार्टी की सहमति से बोला बताइए किया गया है, और उसके बाद कुछ लोग अपना कर लिए। हमको देख के तो बड़ा अफसोस हुआ था, हम अखबार ही में देखे थे वो बिहार शरीफ में कोना थी। हम बहुत लोग का जरा मिलवाओ तो हमको जी, अगर बिहार शरीफ का सच पूछे तो उसे पूछे, अब बोला बताइए कौन आदमी था हमको नहीं पता, अखबार वहां हम देखे, हम नहीं जानते, तो कोई मिला नहीं। दोनों पक्षों पर जीत हुई आपकी, नगर निकाय चुनाव संपन्न करा लिया आपने, जाति आधारित जनगणना भी। नगर निकाय का तो चुनाव होगा तो उसके लिए तो जो बनाए थे हम लोग, जो कर रहे थे बात हुई तो हम लोगों ने सामने रख दिया कि ठीक है हम लोग फिर कर लेते हैं सर्वे करके, और हाईकोर्ट को बता दिया, उसका चुनाव हो गया। और चुनाव में वही लोग शामिल हुए जो पहले अपना मतदान किए थे, मतदान नहीं मतलब अपना जो नॉमिनेशन किए थे, तो नॉमिनेशन वाले जितने किए थे उन्हीं का हो गया। तब कितना खुशी है सबको, किसी तरह का दिक्कत आई जो बीच में दिक्कत आई तो सब काम हम लोग करा करके उन लोगों को दे दिए मौका। अब क्या, अब तो सबका वोट हो गया। सब अब बिहार में सर, बिहार में अब नौकरी बंटने लगी है, केंद्र सरकार की तरफ से भी आज कैंप लगाए गए, समूचे बिहार में नौकरी बांटी जा रही है रेलवे का, क्या कहेंगे आप लोगों का जो रोजगार का अभियान है उसी को लेकर के। साहब जब हम रेल मंत्री थे श्रद्धेय अटल जी की सरकार में, तो जरा उस समय का पता कर लीजिए कि रेलवे में कैसे हम लोग कितना लोगों को नौकरी दिलवाए थे, और रेलवे में तो मिलना ही चाहिए सर। सबसे बड़ी बात है, वो बात और हम कहेंगे कि रेल का जो बजट था हाउस में जब उसकी चर्चा होती थी, आपको मालूम है रात भर चलता था हाउस में, हम जब उसका जितने दिन हम रहे रात भर जब आता था बजट, और इतनी खुशी होती थी, और उस समय का समूचा अखबार को देख लीजिए कितनी चर्चा होती थी एक एक चीज के बारे में, सब लोगों का रुख था। तो इसका जो निर्माण था तो इसके लिए तो बताइए रेलवे के लिए तो बहुत बड़ी चीज है ना, फिर से अलग बजट। हम तो कहेंगे कि फिर रेलवे का तो करवाइए ना, बजट काहे के लिए अलग किए हुए, रेलवे का तो बड़ा इंपॉर्टेंस है, एक एक आदमी को आने जाने का रास्ता है, पहले से ही है। अब कितना ज्यादा विकसित किया गया हम लोगों ने किया श्रद्धेय अटल जी की सरकार में, हमको दोबारा बनाए, हमने कहा वो स्वीकार किए और एक एक चीज को उसके बाद जो विकसित किया गया, अब इसके बाद आगे तो और बढ़ाना ही, आबादी भी बढ़ गई और ज्यादा बन जाए, खूब अच्छा हो जाए, एक एक चीज हो जाए, वो अच्छी चीज है, और बहाली तो होनी ही चाहिए, बहाली तो होनी ही चाहिए। लेकिन हाँ, हम तो चाहेंगे कि भाई फिर कम से कम सर सर बजट। तो आपने सुना नीतीश कुमार को क्या कुछ कह रहे थे, बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के दौरान आज बिहार शरीफ पहुंचे, और वहां पहुंचते जब उन्हें पता लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, इस पर उन्होंने कहा कि पहले तो सारी पार्टियां इस जाति आधारित गणना के लिए तैयार हो चुकी थी, लेकिन बीच में कुछ लोगों को दिक्कत होने लगी थी। साथ ही साथ पीएम मोदी पर भी तंज कसते नजर आए। ऐसे अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमें YouTube चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही करें, साथ ही साथ हमारे Facebook पेज को फॉलो और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।